नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा 22 से 26 दिसंबर के बीच में शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 9 बजे से, यानी कि 9 AM से। तो आज की इस वीडियो में इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के टेस्ट रिकॉर्ड्स क्या हैं, वहीं पर इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस दूसरे टेस्ट मैच में शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए ढाका की वेदर रिपोर्ट क्या है और इस दूसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए दोस्तों ये वीडियो होने वाली आप सबके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए ढाका की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस टेस्ट मैच के लिए, वो काफी ज्यादा अच्छी है, जहां पर पांचों दिन बारिश की फोरकास्ट बिल्कुल भी नहीं है और मौसम साफ रहेगा। अगर हम डे वाइज वेदर फोरकास्ट की बात कर लें तो जो डे वन का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है और पहले दिन बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। वहीं अगर हम दूसरे दिन की कर लें तो यहां भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है और दूसरे दिन भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, बारिश की संभावना 0% है। तीसरे दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो एक बार फिर से 27 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है और तीसरे दिन भी आपको सनी कंडीशंस देखने को मिलने वाली है। बात कर लें चौथे दिन की, तो यहां का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो एक बार फिर से 27 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। वहीं पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है और चौथे दिन भी आपको मोस्टली सनी कंडीशंस ही दिन में देखने को मिलेंगी। बात कर लें पांचवे और आखिरी दिन की, तो यहां का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है और पांचवे दिन आपको पार्टली सनी और पार्टली क्लाउडी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बारिश की संभावना एक बार फिर से नहीं है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं आपको ये वेदर फोरकास्ट समराइज्ड फॉर्म में बताऊं तो इस टेस्ट मैच के पांचों दिन बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, मौसम साफ रहेगा और आपको ज्यादातर सनी कंडीशंस ही देखने को मिलेंगी। ऐसे में ये टेस्ट मैच आपको बिना किसी इंटरप्शन के पूरा होता हुआ नजर आएगा। और अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल टेस्ट मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 23 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा 3 मैचेस ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं, जबकि एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 341 रन्स का है, एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 317 रन्स का है, एवरेज थर्ड इनिंग्स का स्कोर गिरकर 231 का हो जाता है, जबकि एवरेज फोर्थ इनिंग्स का स्कोर और भी ज्यादा कम हो जाता है 180 रन्स का। तो आप इन ओवरऑल टेस्ट मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है, इसलिए फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने इस मैदान पर ज्यादा टेस्ट मैचेस जीते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दोस्तों, जो शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच है वो शुरुआती दो दिन बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी साबित होती है, इसी वजह से आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग्स और एवरेज सेकंड इनिंग्स के स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। यानी कि पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स में इस मैदान पर आपको काफी बड़े स्कोर्स देखने को मिलते हैं। जो ज्यादातर टेस्ट मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं वहां पर आपको फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर है वो 400 के आसपास या फिर इसके ऊपर नजर आता है, जबकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम भी 350 के आसपास या फिर 375 तक का स्कोर बनाते हुए नजर आती है। तो दोनों टीमों के लिए इस टेस्ट मैच में भी जो पहली इनिंग्स होगी वो काफी ज्यादा क्रूशल होगी। जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में बड़ी बढ़त बना लेगी, यानी कि लंबी लीड ले लेगी, उसके पास मैच में एडवांटेज रहेगा, क्योंकि तीसरे दिन से इस पिच पर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट साबित होगा। तीसरे दिन से इस पिच से स्पिन
स्पिनर्स को हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगी और स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होता है। पिच स्लो भी हो जाती है, गेंद बल्ले पर अच्छे से नहीं आती है, रुक कर आती है और स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप भी बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसलिए यहां पर वो काफी ज्यादा विकेट्स चटकाते हैं। और आप देख रहे हैं कि एवरेज थर्ड इनिंग्स और एवरेज फोर्थ इनिंग्स का जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि तीसरी इनिंग्स और चौथी इनिंग्स में बहुत ही कम स्कोर्स बनते हैं। इसी वजह से दोनों टीमों के लिए फर्स्ट इनिंग्स बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाली है, क्योंकि चौथे दिन, तीसरे दिन और पांचवें दिन बल्लेबाजी करना इस पिच पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि ऐसी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में कोई भी कप्तान जो है वो टॉस जीतकर चौथी इनिंग्स में बल्लेबाजी करने का रिस्क नहीं लेगा। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल कर आई है उसके अनुसार भी यही बताया जा रहा है कि आपको इस टेस्ट मैच के लिए स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस ही नजर आने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान के ओवरऑल टेस्ट मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो श्रीलंका ने बनाया है बांग्लादेश के खिलाफ 730 रन 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल है वो बांग्लादेश का है पाकिस्तान के खिलाफ 87 ऑल आउट। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 5 टेस्ट मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 50 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए जबकि 94 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 47 विकेट लिए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 3 विकेट मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 57 विकेट लिए जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 2 विकेट मिले और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 35 विकेट्स लिए हैं। तो इन लास्ट 5 टेस्ट मैचेस के स्टैट्स से आप क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की जो पिच है वहां पर स्पिनर्स को बहुत ही ज्यादा मदद मिली है, जिसकी वजह से स्पिनर्स ने फास्ट बॉलर्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं। स्पेशली दोस्तों यहां पर जितने भी टेस्ट मैचेस खेले गए हैं वहां पे एक चीज कॉमन देखने को मिली है और वो ये है कि तीसरे, चौथे और पांचवें दिन इस पिच पर स्पिनर्स को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है, जिसकी वजह से इन तीन दिनों में स्पिनर्स आपको बहुत ज्यादा विकेट्स चटकाते हुए नजर आते हैं टेस्ट मैचेस में, क्योंकि तीसरे, चौथे और पांचवें दिन जो शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से स्पिनर्स को यहां पर टर्न और ग्रिप मिलना स्टार्ट हो जाता है और इसी वजह से यहां पर तीसरी इनिंग्स और चौथी इनिंग्स में स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करना डिफिकल्ट रहता है। और इस बार जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अनुसार भी यही बताया जा रहा है कि एक बार फिर से इस टेस्ट मैच के लिए आपको स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस ही देखने को मिलेंगी और स्पिनर्स आपको इस टेस्ट मैच में भी डोमिनेट करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों यहां की जो पिच है पहले दिन से ही स्पिनर्स को मदद करती है, लेकिन शुरुआत के 2 दिन स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है और शुरुआत के 2 दिन बल्लेबाजी करना थोड़ा सा बेहतर रहता है। जब तक गेंद नहीं रहेगी तब तक इस पिच से तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, पिच से लेटरल मूवमेंट मिलता है फास्ट बॉलर्स को, तो यहां पर नई गेंद का फायदा जो है वो फास्ट बॉलर्स भी उठा सकते हैं, लेकिन एक बार जब गेंद पुरानी हो जाएगी तब आपको पूरे टेस्ट मैच में स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी वजह से दोस्तों मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में स्पिनर्स ज्यादा रखने चाहिए इन कंपैरिजन टू फास्ट बॉलर्स, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 3 स्पिनर्स में आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 1 राइट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ जा सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंडियन टीम के खेमे से कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आई हैं। पहली अपडेट ये है कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो चुके हैं, वो आपको दूसरे टेस्ट मैच में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो अपनी थंब इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट उनको लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसके अलावा केएल राहुल दूसरे टेस्ट मैच से पहले नेट प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो गए थे, उनके हार्ट में चोट लगी है। हालांकि इंडियन टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह बताया है कि उनकी चोट सीरियस नहीं है और डॉक्टर्स जो हैं वो केएल राहुल की चोट की देखरेख कर रहे हैं। हालांकि एक चांस है कि केएल राहुल भी यह टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं, तो अगर केएल राहुल ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पर इंडियन टीम की कप्तानी चेतेश्वर पुजारा करते हुए नजर आएंगे, जबकि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको प्लेइंग 11 में अभिमन्यु ईश्वरन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो इंडिया की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल के साथ कैप्टन केएल राहुल या फिर अभिमन्यु ईश्वरन। नंबर 3 पर आ सकते हैं चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर विकेटकीपर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर आर अश्विन, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर उमेश यादव और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज आ सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में भी आपको ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, हालांकि एक फोर्स चेंज होने वाला है। इबादत हुसैन जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो बैक इंजरी की वजह से इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में आपको राइट आर्म फास्ट बॉलर तस्किन अहमद खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि शाकिब अल हसन इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करते हुए नजर आने वाले हैं। तो जो आपको बांग्लादेश की प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार की नजर आएगी। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे नजमुल हुसैन शांतो के साथ जाकिर हसन, नंबर 3 पर आ सकते हैं यासिर अली, नंबर 4 पर लितिन दास, नंबर 5 पर कैप्टन शाकिब अल हसन, नंबर 6 पर मुशफिकुर रहीम, नंबर 7 पर विकेट कीपर नूरुल हसन, नंबर 8 पर मेहदी हसन मिराज, नंबर 9 पर ताइजुल इस्लाम, नंबर 10 पर तस्किन अहमद और नंबर 11 पर खालिद अहमद आ सकते हैं। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम पर दोनों टीमों की टेस्ट परफॉर्मेंस की। तो बांग्लादेश की टीम ने जो इस मैदान पर पिछले 10 टेस्ट मैचेस खेले उसमें इनका विनिंग परसेंटेज 50 है, जबकि इंडियन टीम ने जो 2 टेस्ट मैचेस खेले उसमें विनिंग परसेंटेज 100 है, यानी कि दोनों टेस्ट मैचेस में जीत हासिल करी है। एवरेज स्कोर के मामले में भी इंडिया काफी बेहतर है 577, जबकि बांग्लादेश का 317 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी इंडियन टीम काफी ज्यादा आगे है 610, जबकि बांग्लादेश का 560 है। और लोएस्ट स्कोर के मामले में भी इंडियन टीम बहुत ज्यादा बेहतर है 544, जबकि बांग्लादेश का 87 है। तो दोस्तों इंडियन टीम ने जो 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं दोनों मुकाबलों में बड़ी जीत हासिल करी है, जबकि बांग्लादेश का जो विनिंग परसेंटेज है पिछले 10 टेस्ट मैचेस में वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आधे मैचेस जीते हैं, आधे मुकाबले हारे हैं। तो इस मैदान पर भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन टीम का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहता है और इस मुकाबले में भी इंडियन टीम फेवरेट्स नजर आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये रहा दूसरे टेस्ट मैच के लिए शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपको किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी, इंडिया या फिर बांग्लादेश। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।